दोस्तों, मैं जितेंद्र वाड़तिया मेरे और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, तो आज बहुत दिन से हम लोग कहाँ बाहर जाए गए नहीं, तो आज हम सोचे हैं कि कुछ बाहर जाके घूम के आए, और कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं कि कुछ बाहर भी जाके कुछ खाना खाना है। बहुत दिन हुआ, एग्जाम के चक्कर में वो लोग बाहर भी नहीं गए थे और कुछ खाना भी अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं हुआ है बहुत दिन से। तो आज जाएंगे दोस्तों आज एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी बच्ची का चल रहा है पढ़ाई, अभी एग्जाम का इतना स्ट्रेस है, जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसका प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसका चल रहा है पढ़ाई का। अभी उनका पढ़ाई खत्म हुआ तो चलेंगे हम एक रेस्टोरेंट में। तो अभी बड़े बच्ची का तो हो गया, अभी छोटे बच्चे के देखिए, उसका मम्मी अभी यहाँ पे उनका चालू पढ़ाई, कल उसका कुछ छोटा सा कुछ एग्जामिनेशन है, इसकी वजह तो उससे प्रिपरेशन चालू है। मराठी का यूनिट टेस्ट कल है, तो इनका पढ़ाई खत्म होने के बाद हम जाएंगे मार्केट। इनका पढ़ाई कब तक खत्म होता है देखते हैं। घड़ी में बजा अभी 8, तो 8:30 बजे तक निकलेंगे, कितना एक्साइटेड है देखते हैं। तो हम लोग डिसाइड किए कि हमारे घर के पास में एक एम्बियंस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इसलिए कि घड़ी पे बजा नियर अबाउट 9 PM, 9 बजने को हुआ है, दूर पे जाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो घर के पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है एम्बियंस होटल, तो वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक रेस्टोरेंट एरोप्लेन शेप में है, तो उसका आज ट्राई करेंगे कैसा खाना है। तो दोस्तों, इन लोग का पढ़ाई अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो घड़ी पे बजने को जा रहा है 9। लगी से मुझे जोरों से भूख, जब से कंपनी में आया हूँ थोड़ा लाइटली कुछ स्नैक्स लिया था, तो लग गई है जोरों से भूख, तो जल्दी से जल्दी जाएंगे। तो रेडी सब लोग, चलेंगे। तो पास में रेस्टोरेंट है तो कार लेने का कोई जरूरत नहीं, दोनों बाइक निकाल लिए हैं, तो बाइक में चले, मैं बाइक में निकलेंगे, मिसेस रह गया उनके स्कूटी पे। देखिए ये मेरा बाइक है, मिसेस की स्कूटी। ये रही दोस्तों हम लोग का दिल्ली का रोड है, पास में ही एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग पेट्रोल फिलिंग कर लेते हैं, तो स्कूटी में तो बिल्कुल पेट्रोल है ही नहीं, तो वहाँ थोड़ा पेट्रोल फिलिंग करेंगे। हो गया दोस्तों, ये दोस्तों ये रही हमारा पास वाली पेट्रोल पंप है, पास घर के पास में ही है, हो गया स्कूटी में पेट्रोल फिलिंग। अभी चलेंगे रेस्टोरेंट पर, देखिए हमारा मिस भी थी बहुत एक्साइटेड। हो गया पार्किंग, तो दोस्तों ये रही हमारा एरोप्लेन शेप की रेस्टोरेंट। देख के ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ
अगर अंदर चलते हैं ना एक बार, अंदर का ट्राई करेंगे क्या होता है। बैठो ये एरोप्लेन में जाने के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा तो ऐसा नजारा है दोस्तों। ये होटल रह गया, होटल एंबियंस। कैमरे में ये नहीं आ रहा, ये कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। ये रह गई वो बार है, बड़ी सी स्क्रीन लगा हुआ है वहां पे। अच्छा रेस्टोरेंट है, तो घर के पास में ही है, तो बहुत दिन से हम लोग यहाँ पे आए नहीं थे, तो आज ट्राई करते हैं। ये हो गया ऐसा, तो ये एंट्री एंट्री में आते हुए एक वॉश मशीन है, तो ये बैठ गए हमारे बच्चे। मिस जिज्ञासा मिस अभीक्षा, ऐसा रेस्टोरेंट सेफ का है। देना है आपको कॉफी हो पी लेनी, सूप आपको क्या लेना है, सूप में टमाटर सूप ना क्या लेना। जल्दी कौन आई देखा, उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वो क्या लेंगे, वो कंफ्यूज है क्या खाना है उसके। क्या है लस्सी अभी हम अभी तक डिसीजन हो नहीं पा रहा है। अच्छा भैया ये चिकन हॉट एंड सर्व 1/2, टमाटो 1/2, और स्टार्टर में रहेगा चिकन चिली। स्टार्टर कर लीजिए, कंडीशन कर दीजिए, ऑर्डर कर दिया गया है। फूड प्रिपेयर होने तक विधि इंटरेस्टेड है कि उसका झूला खेल लेंगे, तो वो लगी है उसका झूला खेलने में। लाइट्स वगैरह नहीं, पहले लाइट्स था, अभी लाइट्स वगैरह बंद। तो ये रहे हमारा क्रिकेट मैच चालू है यहाँ पे। रेस्टोरेंट हमारा स्क्रीन में फीचर, तो क्रिकेट इंटरेस्टेड वाले के लिए वहाँ पे चालू है। अच्छा एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए भी अच्छा किया गया है यहाँ पे, तो टाइम पास है। जब तक फूड ऑर्डर प्रिपरेशन होता है तो टाइम पास के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया है स्पेशली किड्स के लिए। तो विधि वेरी एक्साइटेड फॉर हिज गेम। चलो मैं झूला में बैठो ना, उसमें बैठो, ये बढ़िया है।
विधि कष्ट हो गया उनका झूला झूलना, अच्छा एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। गिर जाएगा, एक गिरेगी। बस बस चलो मामा आगे होगा, चलते हैं। ये दोस्तों होटल की रही बाहर का नजारा, ये हो गया फैमिली रेस्टोरेंट, अभी खाली है। ठंडी के लिए यहाँ पे ज्यादा अभी यहाँ बैठ नहीं रहे हैं, ज्यादा वो अंदर ही बैठना पसंद कर रहे हैं। ये पार्किंग हो गया, ये हमारा यहाँ पे बाइक्स, ये हो गया रेस्टोरेंट एरोप्लेन सेट का। इस टाइप का एक एरोप्लेन खड़ी है तो सवार करेंगे एरोप्लेन के ऊपर। आगे उनकी बच्चों की टमाटर सूप, हमारा चिकन हॉट एंड सॉस, बेटी की रह रही यहाँ पे नूडल्स, सूखा नूडल्स ट्राई कर रही है। ये हमारा तो ट्राई करते हैं कैसा क्वालिटी है, दो दिन के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्वालिटी कैसा है अभी। ठीक है, अच्छा है। टमाटर सूप कैसा है मामा? तुम्हें तो बताओ ना। हम्म, मामा टमाटर सूप कैसा है? अच्छा क्वालिटी है, तो अब इंतजार करते हैं हमारा स्टार्टर की। सिंगापुरी नूडल कर लेते हैं ना, हमारा सिंगापुरी करते हैं, हमारा ट्रिपल राइस में लेते हैं। सिंगापुरी एक चिकन सिंगापुरी नूडल्स और एक ट्रिपल राइस, चिकन ट्रिपल राइस और इसमें से मटन रोगन रोल जो से कर रहे हैं और चार रोटी। ठीक है, इतना ही बस। सिंगापुर में क्या देते हैं? सिंगापुर का क्रंच ना, थोड़ा सा गंजन करने के लिए थोड़ा हल्का क्रंची, हल्का सॉफ्ट है। विधि की ये स्पेशल है, उसका सबसे पसंदीदा डिश है चिकन चिली। तो
बेटा नॉर्मल वीडियो चल जाए एच डी कैमरा थोड़ा थोड़ा सबको दे दी। ये आ गए हमारा चिकन अमेरिकन नूडल, सिंगापुर नूडल बोल गया। मुझे थोड़ा ही दी, यहाँ पे जा दी। तो ट्राई करेंगे कैसे क्वालिटी है। तो दोस्तों अभी तक क्वालिटी अच्छा है, शायद कुछ चेंज हुआ है तो बढ़िया है। अभी भी ट्राई करो कैसा है। अभी से पेट भर गया और भी बाकी है, अभी बिजी हो गए। ठीक है रगल रगल से क्वालिटी चेक करें, कलर से तो अच्छा लग रहा है। ये क्या है इसका, ट्रिपल राइस का है। अच्छा रोगन जोश रोटी बेटी देखो खेलने में लगी उसके नूडल के साथ। ट्रिपल राइस साइड में ऑमलेट आप कब से काम कर रहे हो। अभी पिछली बार आए तो आपको देखे नहीं थे, अभी नया ज्वाइन रेस्टोरेंट गार्डन रेस्टोरेंट। हाँ हमारा भी तो बहुत गैप हो गया है, कम से कम एक साल हो गया, एक साल पहले आए फेब्रुवरी में। आप कहाँ गए, आप नेटिव प्लेस कहाँ गए। अमरावती मतलब महाराष्ट्र। अभी का क्वालिटी अच्छा है, कुक चेंज हुआ है क्या। नहीं पहले से थोड़ा सा अभी क्वालिटी फूड अच्छा, मतलब सब कुछ क्वालिटी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आगे ऑर्डर हो गया सब पूरा मेरा, अभी खाना को करेंगे खत्म। अभी कंसंट्रेशन करते हैं फूड पर, तो फूड का तो क्वालिटी अच्छा है। ये रह गया हमारा ट्रिपल चिकन
फ्राइड राइस, ये रोगन जोश एंड रोटी, ये इसका सूप है, जूस है उसका ट्रिपल राइस की। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन करते हैं फूड पर, अभी खत्म करते हैं खाना, ब्लॉगिंग करते हैं। इसका देखो अभी तो फिनिश नहीं हुआ, चीटर्स विदिन विद चीटर्स गन, पहले सब ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, खाने के टाइम जीरो, बिल्कुल कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए पूरा उसके थाली में जैसे ट्रिपल राइस एंड ये सब जैसे जैसे पड़ा है, पेट भर गया। खाना खा के हो गया पेट फुल, तो डाइजेस्ट के लिए थोड़ा कोक ले लिए। खाना बहुत बढ़िया था दोस्तों, तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लास्ट में लेने पड़े थोड़ा कोक, तो ये डाइजेस्ट में अच्छा मदद करता है। भल लगला हमें, अच्छा है, कुछ तो खाना तो खाए ही नहीं, क्या अच्छा में। खाना बहुत बढ़िया था, लजीज भी था, थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर हो गया क्योंकि वो विधि कुछ खाई नहीं, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे और एक नए ब्लॉग में, तब तक आपका ख्याल रखिए, नमस्कार, जय जगन्नाथ।